नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों हम आज बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। दोस्तों ये आपका एक ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट बन चुका है आज की डेट में, जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाने लग गया है। चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैंक के एग्जाम्स हो, IBPS, SBIPO, क्लर्क, जो भी एग्जाम हो, बैंक का, पुलिस का एग्जाम है, कंप्यूटर उनको चाहिए ही चाहिए है। चाहे मध्य प्रदेश पुलिस का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, इसके अलावा व्यापम के तो लगभग लगभग हर एक एग्जाम में ये कंप्यूटर पूछा जाने वाला है। जैसे अभी मध्य प्रदेश पुलिस के जो व्यापम एग्जाम करवा रहा है, ASI की जो पोस्ट निकली है कंप्यूटर्स के लिए स्पेशल, वो पोस्ट है कॉन्स्टेबल के लिए जो पोस्ट निकली है, वो भी कंप्यूटर्स के लिए ही वो पोस्ट हैं एक्चुअली। तो उनके लिए ये कोई भी कंटेंट ऐसा अवेलेबल नहीं था इंटरनेट के ऊपर, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये कंटेंट में ऐसा तैयार करूं जो स्पेशल आपके व्यापम, बैंकिंग या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनकी तैयारी इसके लिए करवाए। तो मैं अभी ये Part 1 लेके आपके पास आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इसमें हम बात करेंगे बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीरीज जो होगी मेरी, इस सीरीज में मैं एक थ्योरी वाला वीडियो लेके आऊंगा, इसके बाद फिर कुछ मतलब थ्योरी के वीडियोस होंगे, इसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव वीडियोस भी, क्वेश्चंस जिसमें होंगे आपके, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोनों टाइप के कवर करूंगा मैं इसमें। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर्स के बेसिक्स और फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मशीन होती है एक्चुअली, और वो मशीन क्या करती है? दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हमेशा मशीन परफॉर्म करती है, कोई भी मशीन हो। और यहाँ पे वो जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है, वो कौन दे रहा है उसको? वो दे रहे हैं हम, यूजर उसको दे रहा है। किस फॉर्म में दे रहे हैं? पर द सेट ऑफ एच, पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। हम जैसी प्रोग्रामिंग करते हैं वैसा ही कंप्यूटर आपके लिए काम करता है। और किस, ये दिया जा रहा है, गिवन ऑन अ सेट ऑफ डेटा टू जनरेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। तो इनपुट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? अ सेट ऑफ डेटा। तो इनपुट हो गया आपका अ सेट ऑफ डेटा, आउटपुट हो गया आपका जो भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें उससे आउटपुट चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, कंप्यूटर नहीं ले रहा हूँ, मैं एक कैलकुलेटर ले रहा हूँ। कैलकुलेटर में क्या होता है, जैसे मुझे दो चीजों को, दो वर्ड्स है मेरे पास, दो अंक है मेरे पास, 2 + 2, मुझे इसको ऐड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको 2 इनपुट देना पड़ेगा, फिर मुझे एक और इनपुट 2 देना पड़ेगा, फिर मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो जब मैं इस कैलकुलेटर में 2 + 2 करूंगा तो वो जवाब दे देगा, इसका आंसर होगा 4। तो ये जवाब कहां से आ रहा है? आपने सबसे पहले उसको इनपुट दिया और उससे आउटपुट लिया, लेकिन इसके अंदर प्रोसेसिंग चल रही है, उसकी एक प्रोग्रामिंग है। वही प्रोग्रामिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग जो होती है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही आपके कंप्यूटर में होता है। तो कंप्यूटर इज अ ट्रूली अमेजिंग मशीन दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एच पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्रोग्राम, गिवन ऑन अ सेट ऑफ डेटा टू जनरेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये तो हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जैसे थोड़ा बहुत बेसिक्स तो कंप्यूटर के बारे में मेरे ख्याल से सब लोग ही जानते होंगे, तो इसको मैं बहुत डिटेल में जाके डिस्कस नहीं करने वाला हूं। चलिए फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। तो मेनली 4 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। अगर एक, वैसे तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज होती हैं, लेकिन मेनली हम अगर बात करें, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात की जाए, तो 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे आपके, अगर कंप्यूटर की मैं बात करूं, तो कंप्यूटर के अंदर आपको जो CPU है वो दिखाई देता है। इसके बाद फिर मैं अगर बात करूं आपसे, आपको हार्ड डिस्क आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर होती है, वो आपको पता होता है कि हार्ड डिस्क कैसी होती है। आप सिस्टम की पूरे की बात कर रहे हैं, प्रिंटर है, आप प्रिंटर को छू सकते हो, कीबोर्ड को छू सकते हो, माउस को आप छू सकते हो। तो ये सारे जो आते हैं, ये आते हैं हार्डवेयर की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर। तो ये होती है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग। कुछ कोड्स होते हैं एक्चुअली, जो आपका सिर्फ कंप्यूटर ही समझता है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो ही उन कोड्स को समझता है, और उन कोड्स को समझाने के लिए हमको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है।
वो प्रोग्रामिंग फिर उस कोड्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, विजुअल बेसिक, ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की होती हैं। तो इनको जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो ये डायरेक्ट कंप्यूटर जो मशीन होता है, प्रोसेसर होता है, वो नहीं समझता है, क्योंकि प्रोसेसर का जो लैंग्वेज है वो कुछ और है। वो समझता है हमेशा 0101110, मतलब या तो वो जीरो समझेगा या फिर वो वन समझेगा। तो हमें इन प्रोग्रामिंग को उसको देना पड़ता है 0-1 के फॉर्म में। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग कोड्स में कन्वर्ट होती है, तब जाके उसको कंप्यूटर समझता है। फिर आपके इनपुट्स के अकॉर्डिंग वो आपका एक आउटपुट जनरेट करता है, एक पर्टिकुलर कोई टास्क वो परफॉर्म करता है। आजकल कंप्यूटर हर जगह है, आप कोई सा भी, आप चाहे कोई प्लांट ले लो, प्लांट में कंप्यूटर्स हैं, आप घर में ले लो, घर घर में आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप्स हो गए हैं, मोबाइल्स भी आजकल आ चुके हैं। ये भी एक मोबाइल, एक क्या है, मोबाइल एक छोटा सा कंप्यूटर है। आप जैसा उसको टास्क दे रहे हैं वो वैसा टास्क परफॉर्म कर रहा है, बस थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसको हम मोबाइल कहते हैं, उससे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजर। यूजर कौन होता है? यूजर होते हैं हम, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उनको यूजर कहा जाता है। नेक्स्ट होता है आपका डेटा। तो डेटा में होते हैं कुछ रॉ फैक्ट्स विच द कंप्यूटर स्टोर्स एंड रीड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो जो कंप्यूटर स्टोर करता है और उनको पढ़ता है, तो इन द फॉर्म ऑफ नंबर से हमेशा होता है डेटा। तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो दोस्तों यहां मैंने एक पूरी लिस्ट ली हुई है जिसमें मैं सब कुछ हार्डवेयर के बारे में सब कुछ बता रहा हूं। और आप यहां पे, यहां से जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, व्यापम का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वहां पे आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। चार ऑप्शन होंगे, आपको वहां से इनपुट सर्च करना पड़ेगा। तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है आपके लिए कि जैसे देखिए इनपुट डिवाइसेस जो हैं, तो जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, माइक्रोफोन हो गया, माउस हो गया, वेब कैमरा हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट फैन हो गया, ये सारे होते हैं आपके इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जो होते हैं वो उसमें मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड, फिर प्रोसेसर, रैम, रोम, SMPS, SMPS होता है आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर के अंदर DVD राइटर होता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको अलग अलग सप्लाई चाहिए होती है। तो वो सप्लाई का जो कन्वर्ट करने का काम होता है, हम तो कंप्यूटर AC लगा देते हैं, अब कंप्यूटर AC समझ रहा है कि DC समझ रहा है, उसको ये सब किस पार्ट को कंप्यूटर के, मतलब किस हार्डवेयर पार्ट को कितनी सप्लाई चाहिए, ये काम होता है SMPS का, कि उसको कितनी सप्लाई चाहिए, उसको कितनी सप्लाई देनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के अंदर एक फैन भी लगा होता है, तो फैन को ज्यादा पावर नहीं चाहिए होती है, लेकिन जो प्रोसेसर है या मदरबोर्ड है उसको ज्यादा पावर चाहिए होती है। इस तरीके से ये काम सब कन्वर्ट करने का, ये काम होता है आपका SMPS का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो जिन पे आउटपुट डिस्प्ले होता है उनको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर जिस पे हम प्रिंट करते हैं, स्पीकर जिस पे हम आउटपुट लेते हैं, कोई हमें गाना सुनना हो तो हम स्पीकर के ऊपर आउटपुट ले रहे हैं। अच्छा, अगर इनपुट की बात करें तो कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं। माइक्रोफोन जो होता है, जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये मैं माइक्रोफोन की मदद से ही कर रहा हूं। माउस होता है, माउस से भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है, कुछ लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये माउस का काम हो गया, मतलब ये इनपुट दे रहा है। ऐसे ही वेब कैमरा, टच स्क्रीन, ये सब होते हैं आपके इनपुट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। तो स्टोरेज डिवाइसेस में देखिए, एक तो होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक डिस्क ये कंप्यूटर के अंदर ही होती है, जिसको हम जनरली बोलते हैं आपकी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको बोलते हैं HDD। और हार्ड डिस्क में ही आपका सब कुछ कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। एक होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में जो आपकी CD और DVDs वगैरह जो होती हैं, ये सब कहलाती हैं आपकी ऑप्टिकल डिस्क। एक होती है आपकी फ्लैश मेमोरी, एक होता है आपका मैग्नेटिक टेप। इसके अलावा अगर अदर एक्सटर्नल मेमोरीज की बात करें, तो आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ गई हैं, पेन ड्राइव्स भी आ गई हैं, कार्ड रीडर्स भी आ गए, ये सारे आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट, जो कंप्यूटर का, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, वो होता है आपका CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, या आप कह लो हार्ट ये होता है कंप्यूटर का, जो सब कुछ सोचता है और जिसके बिना कुछ भी कंप्यूटर के अंदर संभव नहीं है। अब इसका काम क्या होता है? इट परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मतलब जितने भी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन होते हैं ये सब परफॉर्म करता है, डेटा को स्टोर करता है, और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कमांड दी कंप्यूटर को कि मुझे 2+2
ऐड करना है। तो कंप्यूटर के अंदर कुछ इंटरनल कमांड्स भी होती हैं। अब वो सबसे पहले टू करेगा तो टू को वो सबसे पहले कन्वर्ट करेगा। जैसे टू को अगर हम देखें 0010 लिखा जाता है बाइनरी के फॉर्म में, ऐसे ही प्लस का भी एक सिम कोड होगा जो आपका कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा। तो इन सब चीजों को उसको स्टोर करना है। अब जैसे आपने कोई बड़ी कैलकुलेशन उसको दे दी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को दे दिया 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 9, तो कम कैलकुलेटर में हम कैसे करते हैं इसको, 2 करते हैं फिर हम प्लस करते हैं फिर 3 करते हैं तो वो रिजल्ट आपको दे देता है, फिर हम प्लस करते हैं फिर 5 होता है। तो ये 2 + 3 जो 5 रिजल्ट आ गया, ये सबसे पहले तो वो स्टोर करेगा, कंप्यूटर इसको स्टोर करता है, फिर उसमें 5 को वो फिर से ऐड करेगा। तो ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो आ रहे हैं इनको स्टोर करना भी आपका सीपीयू का काम होता है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिनको वो स्टोर करता है। और इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करना भी इसी सीपीयू का ही काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीपीयू के पार्ट्स के बारे में। तो सीपीयू आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके जो पार्ट्स हैं, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो आपकी जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं जैसे दो चीजें ले रहे हैं हम, ए इज इक्वल टू बी, तो ए हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेशन, ए ग्रेटर देन बी तो ए हो गया आपका एक लॉजिकल ऑपरेशन, ए लेस देन बी तो ए हो गया आपका एक लॉजिकल ऑपरेशन। या फिर मैं लिखूं जो गेट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ए एक्स ऑरिंग बी, ए एक्स और या एक्स नॉर हमने इसको किया हुआ है, तो मतलब ये लॉजिकल ऑपरेशंस में ही ये सारी चीजें आती हैं। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का यही काम होता है इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना। देखिए हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, ए एल यू इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। व्हेन द कंट्रोल यूनिट एनकाउंटर्स एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब जब भी कंट्रोल यूनिट, देखिए इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू इनपुट जो कंट्रोल यूनिट होगी ये बताएगी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है कि लॉजिकल ऑपरेशन करना है या कंप्यूटर को क्या करना है। तो कंट्रोलिंग जो हो रही है वो हो रही है इसी कंट्रोल यूनिट के थ्रू। और चीजें कब मेमोरी यूनिट में स्टोर करनी है, जैसे रैम होती है तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो रैम में ही सारी चीजें स्टोर हैं, लेकिन एकदम से जैसे लाइट चली जाती है, अगर लाइट चली जाएगी तो रैम का भी जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस आपने स्टोर करे होंगे, जो भी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 ब्राउजर्स की विंडो खोल रखी है, एक पावर पॉइंट खोल रखा है, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे प्रोसेस कंप्यूटर में खोल रखी है, लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है वो सारी प्रोसेस वहां से खत्म हो जाएगी। तो ये सब रैम में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेमोरीज के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो कब रैम में स्टोर करना है, कब रोम में स्टोर करना है, ये सारी चीजों की जो प्रोसेस होती है ये कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही होती है। और ये इनपुट जैसा देते हैं वैसा ही कंट्रोल यूनिट आपकी इस मेमोरी यूनिट में स्टोर करती है, अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट को इन सब चीजों के बारे में समझाती है। तो व्हेन कंट्रोल यूनिट एनकाउंटर्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डिसीजन ऑब्लिक लॉजिक, कोई भी कैलकुलेशन हो तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन और ये लॉजिक में आ जाएगा, इट पासेस द कंट्रोल टू द सेकंड कंपोनेंट दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर किस लिए, अब भाई रजिस्टर्स जो होते हैं मेमोरी यूनिट्स होते हैं एक्चुअली, और ये रजिस्टर्स बने होते हैं फ्लिप फ्लॉप से, और एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है, या तो 1 को स्टोर करेगा या 0 को स्टोर करेगा। तो जो आपका ग्रुप ऑफ रजिस्टर, मतलब मुझे अगर बहुत सारी बिट्स स्टोर करनी है, मुझे अगर 50 बिट्स को स्टोर करना है तो मुझे 50 बिट का रजिस्टर वहां पे लेना पड़ेगा। और ये ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स में होती है मेमोरी लोकेशंस के, कहां मुझे किस डेटा को स्टोर करना है, बिल्ट डायरेक्टली इन टू द सीपीयू, ये सब सीपीयू के अंदर ही होते हैं, दैट आर यूज टू होल्ड डेटा दैट आर बींग प्रोसेस्ड बाय द करेंट इंस्ट्रक्शन। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं मान लो 2 + 2 कर रहा हूं और इसका आंसर आ रहा है 4, तो ये टेम्परेरी डेटा उसमें स्टोर रहेगा आपका, करंट इंस्ट्रक्शन जो भी मैं कर रहा हूं। अब एकदम से मैंने क्या किया 2 × 2 कर दिया, मान लो 2 + 2 से इज इक्वल टू 4 को स्टोर करने में मान लेते हैं हम कि कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो गई, जो रजिस्टर्स हैं इनकी मेमोरी फुल हो गई है। अब हमने एकदम से कर दिया 2 × 2, अब मुझे बताओ कितना हुआ, तो ये भी होता है 4। तो इसको स्टोर करने के लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा, इसको एरेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब काम जो होता है ये कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है, और मेमोरी यूनिट से कब स्टोर करना है, कब उसको डिलीट करना है, ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट ही
करती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को यही समझाती है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है कि लॉजिकल ऑपरेशन करना है, तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। तो जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर इज द स्मॉलेस्ट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन द सीपीयू। मतलब छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, बहुत छोटी इनकी साइज होती है, और ये हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं जहाँ पे हम कोई ना कोई डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ऑल डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। मतलब डेटा सबसे पहले, जैसे मैंने मान लो एग्जांपल दिया इनपुट कंप्यूटर को 2, तो 2 के फॉर्म में इसके पास पहुंचा 01, जो 0010, ये हो गया आपका 2। तो ये 2 कहाँ पहुंचेगा सबसे पहले? ये पहुंचेगा सबसे पहले रजिस्टर में जाके स्टोर होगा। फिर मैं दूंगा प्लस, तो प्लस के करस्पॉन्ड एक कोड होगा, वो पहुंचेगा एक दूसरे रजिस्टर में या दूसरी मेमोरी लोकेशन पे। ऐसी फिर मैं करूंगा प्लस 2, ये प्लस 2 जो है आपका 0010, ये फिर से कहां पहुंचेगा आपका एक तीसरे रजिस्टर में या अलग मेमोरी लोकेशन पे, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले डेटा जाके सेव होगा, इंस्ट्रक्शन जो भी आप दे रहे हो कंप्यूटर को वो भी स्टोर होगा, तब जाके फिर आपका ये एडिशन हो पाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट का मैं आपको ज्यादातर चीजें तो बता ही चुका हूं। तो दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब जितने भी कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं वो यही हैं आपके, तो इन सबको कंट्रोल करना, कब इनपुट लेना है, कब आउटपुट देना है, ये सारी चीजें इसी का काम होता है। बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मतलब कंट्रोल यूनिट कोई डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन नहीं करती है। मतलब जैसे अगर 2 प्लस 2 हम कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल यूनिट नहीं कर रही है, ये कर रहा है कौन? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मतलब डेटा प्रोसेसिंग का कोई भी काम कंट्रोल यूनिट नहीं करेगी, इसका जैसा नाम है कंट्रोल करना, तो ये बस सिर्फ कंट्रोल करेगी। तो ये था आपका ALU रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं आपकी रैम और एक होती है आपकी रोम। तो सबसे पहले हम रैम के बारे में डिस्कस करते हैं। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की फॉर स्टोरिंग डेटा प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। अब देखिए, डेटा स्टोर करना पड़ेगा कंप्यूटर को, जो भी प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शन है वो भी स्टोर करना पड़ेगा, और उसका जो रिजल्ट आया वो भी स्टोर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी सिस्टम चालू है, तो इस सिस्टम में अभी मैंने मान लो एक जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल रखा है, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अभी आपकी रैम में स्टोर हो गई हैं। और जैसे ही आपका कंप्यूटर क्लोज हुआ, वैसे ही ये पूरा का पूरा डेटा आपका एकदम से खत्म हो जाएगा। जैसे एकदम से मान लो सपोज सप्लाई चली जाती है, जैसे ही सप्लाई जाएगी तो आपका पूरा का पूरा रैम इरेस हो जाएगा, और रैम इरेस हो जाएगा, आप फिर से सिस्टम को ऑन करोगे, आपको फिर से हर चीज स्टार्टिंग से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो ये होता है आपका रैम, मतलब रैम इज अ टेम्पररी स्टोरेज, और इसका काम क्या होता है? इट इज रीड राइट मेमोरी, मतलब रीड भी कर सकते हैं हम और राइट भी कर सकते हैं। विच स्टोर्स डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग, जब तक डाटा को तब तक स्टोर करेगी जब तक मशीन काम कर रही है। एज सून एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ डेटा इज इरेस्ड। रैम वोलाटाइल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनमें से वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम होती है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है डेटा स्टोर्ड इन, इट इज लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, मतलब डाटा स्टोर रहेगा जब तक आप उसको स्विच ऑफ नहीं करोगे, और इफ देयर इज अ पावर फेल्योर आपका डेटा खत्म। हैंस अ बैकअप अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम इज ऑफन यूज विद द कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम। हमेशा कंप्यूटर में इसलिए कहते हैं कि इसको यूज करना चाहिए, ताकि जब भी आपकी सप्लाई ऑफ हो जाए तो थोड़ी 2-3-4 मिनट के लिए बैकअप दे देता है UPS, और उसके बाद फिर अपने डेटा को आप सेव कर सकते हो परमानेंट मेमोरी में, और उसके बाद फिर आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। तो ये पूरी कहानी थी आपकी रैम की। अब रैम इज स्मॉल बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल साइज, मतलब कि साइज तो वैसे भी कम होती है, छोटी सी रैम होती है, और इन द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन होल्ड, मतलब ये डेटा भी बहुत कम होल्ड करती है। जैसे मैंने अभी तक जैसे 4 GB तक की रैम को देखा है, और 128 MB की भी मैंने रैम देखी है, जो बहुत पुराने टाइम पे आती थी, और आज से कम 15 से 20 साल पहले 128 MB की रैम आती थी, बहुत सिस्टम बहुत स्लो चलता था। लेकिन आजकल सिस्टम की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट हो गई इस रैम के कारण, और सिस्टम की जो क्लॉक स्पीड होती है उसके कारण। तो 4 GB तक की रैम आजकल कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में ये आजकल मिल जाती है। जो मोबाइल फ़ोन्स भी आ रहे हैं उनमें भी आजकल रैम आने लग गई है, 2-3 GB, 4 GB तक की रैम आपको मोबाइल फ़ोन्स में भी मिल जाती है। अब देखिए, जो रैम है आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है,
ठीक है। और इसके अलावा हम रैम के टाइप्स अगर डिस्कस करें तो होते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक डायनेमिक मतलब, डायनेमिक मतलब होता है, देखिए स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक मतलब होता है जो चेंज ना हो, डायनेमिक मतलब जो समय के साथ चेंज हो। तो ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, डी रैम। और ये ज्यादातर जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ही इसको यूज करते हैं। अ टाइप ऑफ फिजिकल मेमोरी यूज्ड इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स, ज्यादातर कंप्यूटर्स में इसी को यूज करते हैं। डायनेमिक मतलब होता है इंडिकेट द मेमोरी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड, मतलब वो मेमोरी आपकी कॉन्स्टेंटली समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है या फिर रीएनर्जाइज होती रहती है, और अगर नहीं होगी तो इट लॉसेस इट्स कंटेंट। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज मोर इकोनॉमिकल, मतलब ये सस्ती होती है। सस्ती होने के कारण ही जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। इसके बाद होती है आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं एस रैम। अब जो आपका एस रैम होती है या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये फास्ट, कंपेरेटिवली जो डायनेमिक रैम होती है उससे फास्ट होती है और लेस वोलाटाइल होती है, मतलब डी रैम से फास्ट फास्टर तो होती ही है और साथ में लेस वोलाटाइल भी ये होती है। लेकिन इन सब के बीच इसका ड्रॉबैक क्या है, ये पावर सप्लाई इसको ज़्यादा चाहिए, और तीसरी चीज़ इसको क्या है, महंगी भी ये ज़्यादा होती है डी रैम के। मतलब इसके दो फायदे हैं दो नुकसान है। फायदा फास्टर होती है, लेस वोलाटाइल होती है, पावर इसको ज़्यादा चाहिए और पैसे इसमें ज़्यादा आपको खर्च करने पड़ेंगे। और स्टैटिक मतलब होता है स्टैटिक इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड लाइक डी रैम, मतलब इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए ये भी एक टाइप का डी रैम ही होता है, सिंक्रोनस यहाँ पे आगे लगा हुआ है। तो इस सिंक्रोनस आगे लग गया मतलब इसकी जो स्पीड है, जो क्लॉक स्पीड है वो अब आपकी बढ़ जाएगी। तो डी रैम दैट कैन रन एट मच हायर क्लॉक स्पीड। अब जो क्लॉक स्पीड होती है एक्चुअली ये जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर होती है, अगर मैं इस क्लॉक स्पीड को मान लो टी मान लेता हूँ तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगी 1/T। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/T मतलब टाइम का जस्ट इनवर्स। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो कंप्यूटर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये क्लॉक स्पीड से ही डिसाइडेड होता है। नेक्स्ट है आपकी रीड ओनली मेमोरी, ये सेकेंड टाइप की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में यूज होती है, रोम जिसको हम बोलते हैं। इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, इसको आप राइट नहीं कर सकते हो। तो एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी मेमोरी रीड राइट है और कौन सी मेमोरी रीड है। तो द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, इन मेमोरी मतलब नॉन वोलाटाइल होती है, ये वोलाटाइल नहीं होती है। तो जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो परमानेंट स्टोर्ड होती है, और ये स्टोर कब करी जाती है, जब जब उसका मैन्युफैक्चर जब हो रहा होता है तब इसको इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है। जैसे आपके सिस्टम में जैसे आप लैपटॉप खरीदते हो तो आजकल जो लैपटॉप आते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी स्टोर रहता है और उसको आप एरेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो मेमोरीज होती हैं वो रोम में ही स्टोर की जाती हैं। और आर रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। जैसे अब ये मैं वही आपको बता रहा हूँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है, और इसको बोलते हैं जो हम जनरली बोलते हैं कि बूटिंग हो रही है। जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है आपका, आपका जो स्क्रीन है स्क्रीन आने में, स्टार्टिंग विंडोज लिखा हुआ आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता है, प्रोसेसर के बारे में बताता है, तो ये पूरी प्रोसेस में एक टाइम लग रहा होता है जिसको हम बोलते हैं बूटिंग चल रही है। तो बूटिंग जो होती है उसमें जो रोम होती है ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है जो बूटिंग के लिए जरूरी होते हैं, और दिस ऑपरेशन इज रिफर टू एज बूट स्ट्रैप। इसको बूट स्ट्रैप बोलते हैं, जनरली हम इसको बूटिंग बोलते हैं। और तीन टाइप की रोम अवेलेबल होती हैं, तो इनमें होती है सबसे पहले मास्क्ड रोम या एम रोम। अब जो एम रोम होती हैं, मास्क्ड रोम होती हैं, ये सबसे पहले जो आई थी ये यही रोम होती हैं, और ये हार्ड वायर्ड डिवाइसेस होते हैं, हार्ड वायर्ड डिवाइस दैट कंटेन अ प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डाटा, मतलब इनकी जो इनका जो डेटा होगा वो पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड रहता है, डाटा हो चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो। और इस तरीके की जो रोम होती हैं आर नॉन एज मास्क्ड रोम्स विच आर इन एक्सपेंसिव, मतलब ये बहुत सस्ती होती हैं। नेक्स्ट फिर होती है आपकी पी रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल मतलब इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय द यूजर, आपने एक बार जैसे ही इसकी प्रोग्रामिंग कर दी इसके बाद फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो जो आपकी सीडी ड्राइव्स होती हैं,
या डीवीडी ड्राइव्स होती हैं जिनमें हम एक बार डेटा को स्टोर कर देते हैं तो फिर उसको हम इरेज नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो मेमोरी होती है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती हैं। और द यूजर वाइज अ ब्लैंक प्रोम एंड एंटर्स द डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग अ प्रोम प्रोग्राम। तो जैसे आपकी ये सीडी है तो सीडी में एक नीरो करके सॉफ्टवेयर आता था पहले सीडीज के लिए जो यूज होता था, जो इसमें बर्निंग जो इसमें करता था जिसको हम बोलते हैं कि वो डेटा इसमें राइट करके रख देगा। इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट होती है आपकी इरेसेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम बोलते हैं री राइट मेमोरी, जिसको हम फिर से एक बार डेटा स्टोर कर देते हैं और एक बार डेटा स्टोर करने के बाद हम उसको इरेज कर सकते हैं और फिर से उसमें डेटा स्टोर हम कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो होती है इनको बोलते हैं ई पी रोम। और ईप्रोम कैन बी इरेस्ड बाई एक्सपोजिंग इट टू द अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है उस पे इसको एक्सपोज जब हम करते हैं तब ये आपका इरेस हम उसको कर सकते हैं। इरेस करना मतलब उसका जो डेटा है उसका जो कंटेंट है उसको डिलीट करना। और ये कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट तो हमें एक्सपोज करना पड़ेगा फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स, 40 मिनट तक हमको उसको ऐसा करना पड़ेगा। और जो इस तरी जो ये मतलब जो डिवाइस होती है जो ये काम करती है उसको एप्रोम इरेजर बोलते हैं। एप्रोम इरेजर डिवाइस जो होती है जिसको इस फंक्शन को अचीव करती है। नेक्स्ट होती है आपकी ई ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको हम इलेक्ट्रिकल तरीके से हम मतलब इलेक्ट्रिकली हम इसको इरेस्ट कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम्ड एंड इरेस्ट इलेक्ट्रिकली इट कैन बी इरेस्ट एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स, मतलब 10,000 टाइम्स हम इसको इरेस्ट कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड, मतलब 4 से 10 मिली सेकेंड में ये राइट हो जाती है और इसको हम फिर से इरेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी मेमोरीज। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। आपको अगर अच्छा लगेगा ये वीडियो तो ही मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। और आपके जो कई एग्जाम हैं व्यापम के एग्जाम हैं जिनमें जनरली सिलेबस ही पता नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ों का एक यही सॉल्यूशन है। आपको एनएस एजुकेशन पे वीडियोस मिल जाएंगे कंप्यूटर के जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं तैयार कर रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।